वी डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट एंड मैंगो को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट मैंगो चैनल पे। दोस्तों आज का जो पार्ट है वो है पार्ट टू फोटोन यूनिटी नेटवर्क का। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो होगा हमारा फोटोन व्यू। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि लॉबी और रूम में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोटोन व्यू के बारे में। तो क्या होता है फोटोन व्यू इन द फोटोन यूनिटी नेटवर्क? दोस्तों फोटोन व्यू एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एड करते हैं प्लेयर के ऊपर। अभी क्या करता है कि मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस में हमारे गेम चलते हैं तो उनको कनेक्ट करने का काम करता है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब प्लेयर के ऊपर हम लोग लगाते हैं ताकि हम लोग प्लेयर को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करा सकें। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्लेयर का एक इंस्टेंस बनाना होता है, यानी कि प्रीफैब बनाना होता है, उसको आप रिसोर्सेज में डालते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है कि रिसोर्सेज एंड प्रीफैब क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और होप कि आपको पता होगा। तो फोटोन व्यू के बारे में आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है फोटोन व्यू ट्रांसफॉर्म की। दोस्तों वेरियस डिवाइसेस में हमारे गेम चलते हैं तो उनके रोटेशन अलग होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पोजीशन अलग होती है, तो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फोटोन ट्रांसफॉर्म व्यू। अब उनको दोस्तों जस्ट एजी कंपोनेंट यूज करते हैं, बट आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप फोटोन व्यू का यूज किए रहेंगे अपने प्लेयर के ऊपर, और बेसिकली ये यूज किया जाता है प्लेयर के ऊपर। अब बात करते हैं लॉबी एंड रूम के बारे में। दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था और पुष्कर ने भी इसका बताया था कि उनको नहीं पता है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। दोस्तों गेम को भूलकर अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो बड़े बड़े होटलों में दोस्तों मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पर लॉबी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉबी है और यहाँ पर कुछ सीटें लगी हुई हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग रूम्स, जहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं अपने बिजनेस की। तो दोस्तों लॉबी, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि लॉबी अगर हम कहीं किसी होटल में जाते हैं तो एक ऐसा प्लेस होता है होटल के अंदर होता है कि हम जहाँ पे कोई वेट करता है या रूम में जाने के लिए वेट करता है। तो ये सारी चीजें अगर बात करें तो लॉबी क्या होता है, लॉबी इज द कलेक्शन ऑफ रूम्स। अब लॉबी में जब भी प्लेयर होंगे तो एक दूसरे से वो बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से चैट नहीं कर पाएंगे। और लॉबी क्या होता है कि आप रूम क्रिएट करते हो, तो रूम जब क्रिएट करते हो तो जो रूम क्रिएट होते हैं वो लॉबी के अंदर होते हैं। अब दोस्तों वहां पे लॉबी के अंदर प्लेयर को ये नहीं पता होता है कि कौन सा प्लेयर उसके अंदर है कि नहीं है। अगर कोई प्लेयर एक दूसरे से चैटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई रूम ज्वाइन करना होगा। अब आप रूम को क्रिएट कर सकते हैं, रूम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से रूम और लॉबी वर्क करते हैं। तो लॉबी क्या है, लॉबी इज अ कलेक्शन ऑफ रूम, और रूम क्या है, रूम इज अ प्लेस वेयर प्लेयर प्ले द गेम। हम जहां पे गेम को प्ले करते हैं, जहां पे प्लेयर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रूम। तो होप कि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का क्वेश्चन क्या है कि प्रीफेब क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होता है, इनका यूज गेम डेवलपमेंट में क्यों किया जाता है। और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।